नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा में समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से गांधी चौक नीमताल एक वाहन रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रमोद उइके को सौंपा, जिससे उन्होंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के जौहर विश्वविद्यालय को सुरक्षित करने का पहल की जाए। वहीं इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे विगत लगभग 20 महीने से जेल में बंद है, उन्हें बिना शर्त रिहा किया गया है। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। आज जो हमने ज्ञापन दिया माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, मोहम्मद आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी तामीर कराई थी, जिसको चलते योगी ने कभी गेट तोड़ दिया, कभी पानी की टंकी तोड़ दी, अब उसको बकच दिया जाए और मोहम्मद आजम खान साहब को रिहा किया जाए, अब्दुल्ला भाई को रिहा किया जाए। तकरीबन 20 महीने से वो सलाखों के पीछे हैं, ये जानते हुए भी सिर्फ कोई उन पर भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है तो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, चेन चोरी, लूट, 300 बड़े बड़े मुकदमे लगा रखे हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ पूरी मध्य प्रदेश की जनता भी सड़कों पर आ गई है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो ज्ञापन दिया गया साहब क्या? आज जो ज्ञापन दिया है, ये मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो है गरीबों की संस्था, एक आजम खान ने खड़ी करी, आजम भाई ने, उसका गेट तोड़ने के विरोध में है और आजम भाई को बिना, आजम खान साहब को बिना जुर्म के बकरी चोरी, भैंस चोरी, गाय चोरी, किताब चोरी के जुर्मों में 20 महीने हो गए आज उन्हें जेल में, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया। योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि योगी तोड़ने पे विश्वास ना करें, आप भी एक विश्वविद्यालय बनाएं, योगी विश्वविद्यालय, जैसे मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे जो है आजम खान साहब ने बनाया, राम मनोहर मालवी मंदिर, मनोहर मालवी जी, मधुर मालवी जी ने बना हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, सर सैयद ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसी तरह आप भी एक विश्वविद्यालय बनाएं योगी विश्वविद्यालय के नाम से, जिसमें लोग शिक्षित हों। तोड़ने पे विश्वास ना करें, जिस तरह आप आजम खान साहब को टारगेट करके, आजम खान साहब का बस ये जुर्म है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उसमें खाली मुसलमान नहीं, हिंदू बच्चे ही पढ़ते हैं। जब जहाँ शिक्षा का मंदिर होता है वहाँ खाली ऐसा नहीं है किसी एक समाज के लोग पढ़े, वहाँ जो है हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में देख लो आप, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे हैं, लेकिन आजम खान साहब को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है कि उन्होंने एक इदारा तैयार करा है। आज हमने मांग करी है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बख्शा जाए, उसके गेट तोड़ देंगे, कभी दीवार तोड़ देंगे, कभी सड़क तोड़ देंगे, कभी बिल्डिंग। दूसरी बात, मोहम्मद आजम खान साहब को रिहा किया जाए बिना शर्त, उनके बेटे को रिहा किया जाए। इसलिए कई बम ब्लास्ट के मुलजिम घूम रहे हैं, सांसद बने घूम रहे हैं, एमपी बने घूम रहे हैं, मंत्री बने घूम रहे हैं, आजम खान का क्या जुर्म है? एक योगी जी खुद भी एक विश्वविद्यालय तैयार करें योगी विश्वविद्यालय के नाम से। हमारी मांग ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बख्शें और आजम भाई को बख्शें। हिंदुस्तान को वो हक दिलाने की बात की है जो तभी किसी ने शोषित पीड़ित लोगों को हमेशा दबाया गया है। मैं 4-5 बातें कहने के बाद ज्ञापन दे दूंगा। मैं आपके सामने वो सच्चाई रख रहा हूँ जिससे कभी मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया, क्यों कहा गया मैं बताना चाहता हूँ। मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने जब भारत का एक किसान धोती पहने भटी से चिल्ला रहा था कि नेताजी में बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, वो किसान को नेताजी ने यानी आदरणीय मुलायम सिंह ने बताया क्या बात हो गई। वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा साहब मेरी जमीन नीलाम हो गई, मैंने 500 रुपए कर्ज लिया था, ब्याज ब्याज बढ़ते हुए बैंक का कर्ज था 5,000 हो गए। उस समय से कानून हुआ करते थे कि अगर किसी बैंक का कर्जा है तो वो उसको नीलाम कर सकती है, बैंक अदालत चली, नीलाम हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उस मुलायम सिंह जी ने उस किसान को ले गए और सबसे पहले तो उसकी जमीन रिहा कराई, खुद पैसे भरकर उसकी वही बनवाई और उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान का किसान इस प्रकार से तो बर्बाद हो जाएगा, लोग जमीनें छीन लेंगे। उन्होंने विधानसभा में ये कानून बनाया कि कितना भी कर्जा हो किसान पर, वो भर पाए या ना भर पाए, भर पाए तो जमीन नीलाम नहीं होगी, जमीन नीलाम नहीं होगी। और वो कानून
आज भी है, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूब पे सब मिलता है। मेरा कहने का मतलब है, जब भी किसी ने न्याय की बात की है उसके साथ इसी प्रकार से संयंत्र जगह है, उसी प्रकार से आजम खान साहब, आजम खान साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से परसों से जानता हूँ। जब वो तार कटोरा रोड पर रहा करते थे, ये बात मैं 94-96 की बता रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।